नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं आपके साथ रितिका। हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है। ऐसे में जो भी भक्त इस महीने में भोले भंडारी की पूजा और व्रत करता है, उसे भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही उसके सभी काम बनने भी लगते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कब से हो रही है सावन के महीने की शुरुआत, इस महीने में कितने होंगे सोमवार के व्रत और क्या है इसकी पूजा विधि। आषाढ़ का महीना 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अगले दिन यानी 25 जुलाई रविवार के दिन से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ेगा। ये पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में सोमवार का दिन खास माना जाता है। इस बार भोले शंकर के सावन के महीने में 4 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। सावन के पहले सोमवार का व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा व्रत 2 अगस्त को, तीसरा सोमवार 9 अगस्त को, तो वहीं चौथा और आखिरी सोमवार का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। सावन के हर सोमवार में बेलपत्र से भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति को प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। बात करें अगर पूजा विधि की, तो सावन के पहले सोमवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल को आप अच्छी तरह से साफ करें और फिर यहाँ पर वेदी स्थापित करें। इस दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर आप महादेव के व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा आपको सुबह और शाम हर दिन शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के लिए आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही भगवान को फूल भी अर्पित करना चाहिए। मंत्रोच्चारण करने के बाद शिव को सुपारी, पंच अमृत, नारियल, बेल की पत्तियां भी चढ़ानी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो सावन व्रत कथा का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। सावन की शुरुआत के साथ ही देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर शिव धाम जाते हैं, लेकिन इस बार देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए तमाम धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानों पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड और यूपी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भले ही कोरोना को लेकर सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हो, लेकिन आप अपने घर और नजदीकी मंदिर में जाकर शिव की आराधना कर सकते हैं। हाँ, कोरोना काल में नियमों का पालन भी आप जरूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।